नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है हनुमान जयंती पर पाठ, लेकिन हम बात करेंगे ईद पर बंद कपाट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में हनुमान जयंती पर धूमधाम से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया था, लेकिन ईद पर कांग्रेस के कार्यालय में कपाट बंद कर दिए गए। इस पर सियासत शुरू हो गई है। AIMIM ने बकरीद पर यहाँ कुर्बानी और नमाज की इजाज़त मांगी थी। अब बीजेपी तंज कस रही है कि धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेसी AIMIM की चेतावनी से डर से दफ्तर में ताला डालकर गायब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नुकसान से बचाने के लिए यह कदम उठाया, और क्या इससे AIMIM को उसके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिल गया है, और क्या इस विवाद से बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हनुमान जयंती पर PCC में हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ईद के दिन कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लगा हुआ है। धर्म निरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस के दफ्तर में तालाबंदी अब कई सवाल खड़े कर रही है। क्या AIMIM की तरफ से दिग्विजय सिंह को लिखे पत्र का ये नतीजा है, क्योंकि AIMIM ने एक दिन पहले ही दफ्तर में बकरे की कुर्बानी और नमाज अदा करने की परमिशन मांगी थी। तो क्या इस वजह से कांग्रेस ने कार्यालय ही नहीं खोला? लेकिन ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के पास इस तरह की मांगे आ चुकी हैं। लेकिन वजह कुछ भी हो, बीजेपी ने तो इसके बहाने कांग्रेस को घेरा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो होना ही था। अब ये तो होना ही था चाचा जान, जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्म निरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं, और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, ये तो आपके संग दिग्विजय सिंह जी होना ही था। वो कहावत है ना कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जवाब दें अब उनके सवाल का जो AIMIM ने मांगा है। AIMIM की मांग कांग्रेस की परेशानी का सबब बन गई है, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुत्व का चोला ओढ़कर चुनावी वैतरणी पार करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी PCC को भगवा रंग में रंग देती है तो कभी वहाँ पूजा पाठ होने लगता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी से मांग कर रही है, ये लेटर मैंने उनको फैक्स किया है, मैंने उनसे ये मांग की है कि जब PCC पर एक धर्म जो आपकी मोहब्बत की दुकान है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोल के रखी हुई हैं, और आप यहाँ हार्ड हिंदुत्व पर कमलनाथ जी चले गए हैं, और आप एक धर्म विशेष के लोगों की वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे हो, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं, तो हम मुस्लिम समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ईद पर त्योहार पर हमें भी वहाँ विशेष नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए, हमें भी वहाँ कुर्बानी करने की इजाज़त दी जाए, और हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, क्रिश्चियन समाज के जो भी त्यौहार हैं उनको वहाँ पर मनाने की इजाज़त दी जाए, या फिर आप बताएं कि PCC आप जो आपकी मोहब्बत की दुकान है वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए रहेगी। यूं तो कांग्रेस रामनवमी और हनुमान जयंती के पर्व को प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाती है, लेकिन ईद पर उसके दफ्तर पर ताले लगना बहुत कुछ कहता है। दूसरी तरफ AIMIM का दिग्विजय को पत्र लिखने के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में AIMIM चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। शायद यही वजह है कि उसने कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंध लगाने की ये चाल चली। वही बीजेपी ने भी AIMIM के पत्र का हवाला देते हुए जो ट्वीट किया वो आग में घी डालने जैसा रहा। खैर, अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ उसका पारंपरिक वोट बैंक। अब इस चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, पीरजादा तौकीर निजामी, नेता हैं AIMIM से, और विक्रम चौधरी, कांग्रेस नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, आज शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपकी मोहब्बत की दुकान में सबका स्वागत होना चाहिए, जैसे कि ओवैसी की पार्टी उठा रही है मामला, और बीजेपी कह रही है आप डर गए, आपके हिंदुत्व पर जो आप राह पर चल रहे थे कहीं उसको धक्का ना लग जाए, इसलिए ताला लगा दिया PCC में, क्योंकि AIMIM ने पत्र लिखा था दिग्विजय सिंह को कि वहाँ पे उन्हें कुर्बानी की इजाज़त दी जाए, विशेष नवाज की इजाज़त दी जाए, इस वजह से ताले लग गए। ताले लगने की वजह यह नहीं है, ताले लगने की वजह यह है कि आज सार्वजनिक अवकाश है, और दूसरी बात यह है कि क्या AIM ने भाजपा कार्यालय परिसर के लिए भी ऐसी अनुमति मांगी है या नहीं, और यदि नहीं मांगी तो उनसे क्यों नहीं मांगी, ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए, और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि यदि ऐसी अनुमति उन तक आएगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अब उजागर हो चुका है कि AIM एक स्वतंत्र संगठन या राजनीतिक इकाई ना होकर भाजपा का पट्टा अपने गले में डाले और चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है इस प्रदेश में, क्योंकि भाजपा विकास और जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह असफल हुई है, इसलिए अब उनके पास एक ही मुद्दा बचता है कि वो सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करें और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव में वो जा सकते। तो विक्रम जी, मौका तो आप ही ने दिया है ना, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ ना कराते वहां, गणेश उत्सव पे वहां उत्सव ना मनाते तो इस तरह की मांग भी ना आती। ऐसा नहीं है, हमारा संगठन शुरू से ही बहुसंख्यक भावनाओं की कद्र करता आया है, और अभी हमने पिछले दिनों हमारे कार्यालय में सभी प्रकार के आयोजन किए, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म से जुड़े आयोजन हम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हम अनुष्ठानिक स्तर पर किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो जनजाति समुदाय में दी जाती हो, चाहे वो हिंदू समाज में दी जाती हो, या मुसलमानों की जो कुर्बानी, हम अनुष्ठान के स्तर पर इन चीजों का व्यक्तिगत तौर पर हम और हमारा संगठन कहीं से भी इसका समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ये राम का देश है, महावीर का देश है, बुद्ध का देश है, और अहिंसा हमारी न सिर्फ संस्कृति का एक मूल है बल्कि हमारे संविधान का भी एक आधार है, इसलिए हम ऐसे किसी भी आयोजन को प्रोत्साहन अथवा अनुमति नहीं देते हैं जिसमें हिंसा कहीं ना कहीं से जुड़ी, चाहे वो प्रत्यक्ष हिंसा हो अथवा अप्रत्यक्ष हिंसा हो। हम तो निजामी साहब, इसमें हिंसा जुड़ी हुई है इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दी है, वैसे आयोजन करते रहे, वो सभी धर्मों के आयोजन होते रहे हैं PCC में, ऐसा विक्रम जी का कहना है, लेकिन आप बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं इसलिए ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और एक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे, दीजिए जवाब। बहुत शुक्रिया चौकसे साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से हमारे विक्रम चौधरी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनके थोड़े से ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये बताना पड़ेगा जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले कमलनाथ जी से आप पूछिए कि आप अंबेडकर या गांधी विचारधारा, अंबेडकर विचारधारा या फिर आप गोडसे की विचारधारा पर चल रहे हैं, जिस तरह से आप हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आप एक धर्म विशेष के PCC पे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, ये जनता मध्य प्रदेश की अपनी आंखों से देख रही है आपके चाल चरित्र और चेहरे को। और हम कहना चाहते हैं कि आज ईद का दिन था, आज ईद के दिन तो कम से कम आपकी PCC खुली रहती। अरे भाई, मैंने तो पत्र तो में लिखकर आपसे मांग की था, इसलिए बंद है PCC। आज से पहले कभी भी इनकी PCC बंद नहीं रही, ईद के पर, होली पर, दिवाली पर, हर त्योहार पर PCC खुली रही, झूठ बोल रहे हैं ये, कभी भी PCC बंद नहीं रही। वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा भय डर काय का आपको, जब एक धर्म विशेष का आप कर सकते हो तो वहां बोर्ड लगा दो, ताला लगा दो, जैसा आज आपने बंद किया है वैसे रोज बंद कर दो, तो ये मोहब्बत की दुकान आपकी जो है ना, जो आप कह रहे हो कि पट्टा, भाई हम कहना चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज को आईना दिखाने के लिए हमने यह पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह जी को। अगर दिग्विजय सिंह जी आप सेकुलर हैं
और सेकुलरिज्म का आप चेहरा या सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको आकर इस लेटर का जवाब देना था, आपको दरिया दिली दिखाने थी कि आइए आप भी आइए, जब हनुमान चालीसा हम कर सकते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बिठा सकते हैं, आओ आपकी भी नमाज कराते हैं, आपकी भी कुर्बानी कराते हैं, तो इसके लिए उन्हें सामने आना चाहिए। हम तो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं, वो पट्टा अपनी जंजीर इस मध्य प्रदेश का मतदाता अपने आप तोड़ तो देगा आपका चाल चलन चेहरा आपके सामने। यदि पीसीसी के कोई कर्मचारी होंगे तो नमाज करते ही होंगे वहां के किसी हिस्से में, तो उस पे से किसी ने मना नहीं किया ना, लेकिन कुर्बानी पर एतराज है ना उनको कि वो हिंसा की बात। और जो आपने कहा कि गांधी के विचारों पर चलती है घोड़से पे, ये तो घोषित रूप से है ना कि गांधी के विचारों पर चलती है। अगर ये गांधी के विचारों पर चल रहे होते चौकसे जी तो कभी किसी कीमत पर भी हमको ये मना नहीं करते भाई। वही तो सवाल है, वही तो मुद्दा है कि पूरे मध्य प्रदेश में वोट आपको हमारा 100% चाहिए, लेकिन आप हमसे अछूत बिल्कुल छूना नहीं चाहते। बीजेपी को क्यों ऐसा पत्र नहीं लिखा आपने? भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों का आयोजन अपने अगर वहां करेगी तो उनको भी पत्र लिख कर मैं वहां मांग करूंगा, लेकिन अभी तो हमारी कांग्रेस से मांग है कि जब आप एक धर्म विशेष के सारे कार्यक्रम आप वहां कर रहे हो तो फिर हमें भी इस कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। वोट हमारा 100% क्यों मांगते हो आप? हम 100% से करोगे ऐसी मांग? आपको बीजेपी से करोगे ऐसी मांग? बिल्कुल 100% मांग करेंगे। अगर वहां ऐसा होता तो हम वहां भी आयोजन करने की मांग करेंगे। विक्रम जी वो कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं इसलिए आपसे मांग की, यदि बीजेपी सभी धर्मों का करेगी तो उनसे मांग करेंगे, वो तो पहले से हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं, रामनवमी पे जश्न मनाते आए हैं, इसलिए उनसे करने का कोई उचित नहीं है। आपके सवाल का जवाब आ गया, जवाब दीजिए फिर मैं पांडे जी के पास जाऊंगा। ये लोग नागपुर से लिखी हुई स्क्रिप्ट पूरे देश में पढ़ के देश का माहौल खराब कर रहे हैं एक बार। उसकी बात ये है कि आप किसी से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, उसका एक तरीका होता है, उसका एक एक, एक, एक शिष्टाचार होता है। ये एक धमकी वाली बात है। हम सारे इस्लामिक जो विद्वान है उनको बाकायदा जब वो चाहे तब वो आमंत्रित है अपने धर्म की तकरीर करें, अपने धर्म की बातें करें, शास्त्रार्थ करें, हम पूरी तरीके से। लेकिन क्या ये अनुष्ठानिक हिंसा आप एक भी क्या ये कुर्बानी एक भी धमकी वाला शब्द आप लेटर में दिखा दीजिए? आप झूठ बोल रहे हैं चैनल के माध्यम पे, यहाँ चैनल में बैठकर हमने तो बहुत आदर पूर्वक बहुत सम्मान पूर्वक हमने पूछा है कि भाई हमको भी आप जो है ना यहाँ आने का मौका दें, हमको भी आयोजन करने का मौका। निजामी साहब उनकी बात आ जाने, लेकिन आपने अपने कार्यालय में किया है क्या? आपने अपने कार्यालय में किया है क्या निजामी साहब, जो उनसे उनके कार्यालय का पूछ रहे हैं आप, आपने अपने कार्यालय में किया है? हमारे कार्यालय में किसी एक धर्म विशेष का कभी भी कोई आयोजन नहीं होता है। यहाँ से लेकर हैदराबाद से लेकर पूरे देश में हमारा नेता संविधान से चलता है, हमारा नेता सारे धर्मों को साथ में लेकर चलता है। अगर हमारा नेता सब लोगों को साथ में लेकर नहीं चलता तो आपको हम बता दें कि खरगोन में हमारी अरुणा उपाध्याय हमारी बहन हमारे मुस्लिम समाज के वोटों से उसी वार्ड से जीत के आई है। तो ये है हमारा चाल चरित और चेहरा, लेकिन हम तो आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष हो गई ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है पांडे जी, आप आग में घी डाल रही आपकी पार्टी मजे ले रही है क्योंकि ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसका फायदा आपकी पार्टी को मिलेगा, इसलिए बकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ताला लगाकर भाग गए, मजा ले रहे हैं। पांडे जी मुझसे सवाल ले रहे हैं, हमें लगा कि आज की डिबेट चौकसे जी आप पूरी तरीके से आए हैं और इनके बीच में करना चाहते हैं। फिर सही सही, मैं तो इतने कहना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता की बात का सबसे अच्छा उत्तर AIMIM के हमारे प्रवक्ता मित्र ने दे दिया है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस संपूर्ण घटनाचक्र से कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने उजागर हो चुका है। ये जो छद्म राजनीति की राजनीति करते थे, दंभ की राजनीति करते थे, दिखावा प्रपंच की राजनीति करते थे, झूठ प्रपंच और कपट की राजनीति करते थे, जनता इसको समझ चुकी है। भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया था, जन्माष्टमी के दिन किस की में जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है, जब दुर्गा जी का समय आता है नवरात्रि के समय वहाँ झांकियां लगाई जाती है, इसके साथ साथ गणेश उत्सव में वहाँ कार्यक्रम होते हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि आप ठीक है, आपको लगता है कि आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप कम से कम हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों से गले तो मिल सकते थे। ये क्या तुकबंदी थी कि आप पीसीसी में ताला लगा करके भाग जाए? इतनी डरने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमारे मुस्लिम समाज के भाई इस देश के लोग नहीं है? क्या भारत के सिविल मूवमेंट का योगदान नहीं था?
लेकिन जो धर्म की राजनीति आप, दिखावा की राजनीति, प्रपंच की राजनीति आप कर रहे हैं, और जो आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, कमलनाथ जी कहते हैं सबसे बड़ी मंदिर हमने बनाई है, कहते हैं कमलनाथ जी की, सब छिंदवाड़ा में, लेकिन क्या कमलनाथ जी अगर वास्तव में धर्म के आप बहुत बड़े पुरोहिता है तो आपको ये शोभा देता है? आपको चाहिए था कि आज के दिन कम से कम हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ अगर आप उनके वोट ले रहे हैं तो उनसे भी आप गलवाइयां करिए, क्योंकि हम, हमारे पार्टी का तो साफ गोर रहा है, हम तो हमेशा हिंदुत्व की बात करें। बहुत अच्छा जवाब दिया है हमारे आईएम के प्रवक्ता, और धन्यवाद के पास रहे, हमने ऐसी तरह दिखावे की राजनीति किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हम पसंदीदा मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहते हैं, जो समाज में दलित शोषित पीड़ित की तरह जिंदगी जी रहे हैं। हमारा, हमारे सारे जितने भी हमारे दृष्टिकोण है वो स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दोहरा चाल चरित्र चेहरा आज के इस पवित्र दिन जो है सबके सामने उजागर हो गया है। कांग्रेस पार्टी पांडे का जी, चौधरी जी कह रहे हैं कि आपकी बी टीम है, अपने पूरी आईएमआईएम आपकी बी टीम है और आप भड़का रहे हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। चौकसे जी पूरे 10 सेकंड का समय मुझे दे दीजिए, चौकसे जी 10 सेकंड का समय दीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अपने कहना चाहता हूँ कि मुझको सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और झूठा दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिरा हुए साक्षी दिखा है। इतना अच्छा जवाब आईएम के प्रवक्ता ने दिया और मैं भी उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाता हूँ। तारीफ कर रहे हैं आज आप पांडे जी, आपकी बी टीम है क्या? वो कह रहे हैं बी टीम है आपकी। हर करोड़ जनता को जवाब देना पड़ेगा पांडे जी, आज के दिन मुस्लिम भाइयों का त्योहार था, आप इसी के दफ्तर में तालाबंदी क्यों भाग गए? रामनवमी के दिन पांडे जी रहती है, वो कह रहे हैं आपकी बी टीम है, दिन भी छुट्टी होती है, पांडे जी को भी छुट्टी होती है, पांडे जी आप तालाबंदी आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? आपका चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। पांडे आप कहते हो कि मुस्लिम समाज के वोट के ठेकेदार है, अब आप कैसे मुस्लिम समाज के भाई मुंह दिखाओगे? मुंह काला कर लिया आपने। पांडे जी वो कह रहे हैं आपकी बी टीम है और आप भी आप खुलकर तारीफ कर रहे हैं, कहीं आपका ही हथकंडा नहीं है? ध्रुवीकरण करना चाहते हो? हमारी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी विचारधारा है, अपनी बोलने की व्यक्त की आजादी है। अगर किसी भी पार्टी के दल के लोग अपने धर्म के प्रति बोल रहे हैं तो हमारी कोई एक भी ऐसी टीम नहीं हो जाते हैं चौकसी साहब, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के बाद इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कम से कम जिस दिन एक त्योहार पड़ता है उस दिन आप अपनी तालाबंदी कर दो। अरे संडे के दिन भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय खुला रहता है, सैटरडे को भी खुला रहता है, हर पार्टी का दफ्तर खुला रहता है, तो कम से कम आप किसी भी त्योहार में अगर आपको बकरीद के दिन हिंसा नहीं करनी थी जो आप कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते थे बकरे की कुर्बानी नमाज अदायगी ना भी करते थे लोगों से, मुस्लिम भाइयों से गले तो मिल सकते थे, वो भी मिलने में आपको कोई अड़चन आ रही थी? विक्रम जी स्वागत कर सकते थे, ईद की बधाइयां दे सकते थे, नेता वहां खड़े होकर इस तरह के स्वागत कर सकते थे, त्योहार मना सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि कुर्बानी दी जाए। ठीक है पांडे जी, जवाब ले लेते। आप, मैं दो तीन बातें कहूंगा, मैं आपको याद दिला दूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर हमारी स्थानीय इकाई सभी ईदगाह पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको बधाई देते हैं और उनसे बधाई लेते हैं। एक बात इनकी जवाब, हमने इनका आग्रह अस्वीकार कर दी, आग्रह नहीं थी, ये बीजेपी की चाल थी जो हमने ठुकरा दी है। यदि इनको इतनी बीजेपी की चाल कहां से आ गई, ले जाके कुर्बानी करवा दे। तीसरी बात यह है कि मैं एएमआई के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भारत का संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार की अनुष्ठानिक हिंसा को भारत का संविधान मान्यता नहीं देता है, वही कांग्रेस पार्टी करती। अब मैं इनसे पूछता हूं, क्या ये कुर्बानी को अनुष्ठानिक मान्यता देते हैं? आप इनसे पूछिए। हम कांग्रेस के लोग, भाई हमारी पार्टी तो हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी, हम तो राम के सिद्धांतों पे चलते, राम मेरे आदर्श पुरुष हैं, राम मेरे मर्यादा पुरुष हैं। आपकी तरह झूठा दिखावा भी तो नहीं करते हैं, आपकी तरह झूठा दिखावा नहीं करते, समाज के अंदर नियमित नहीं करते। लेकिन विक्रम जी आप कह रहे हैं कि आपके नेता ईदगाह पर जाते हैं और बाकायदा वहाँ पे ईद की मुबारकबाद देते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो आज कमलनाथ तो दिल्ली में क्यों नहीं रुके? पीसीसी में नहीं किया, ईदगाह पे चले जाते? चौकसी जी, मैं मुझे थोड़ा सा बोलने का, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देने का मौका दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बताएं, आज ईद के दिन जब से कमलनाथ जी आए हैं, आप तो संघ की ए टीम हो, आप संघ की गोद में बैठकर हाट हिंदुत्व की बात कर रहे हो,
वोट चाहिए तुम्हें मुसलमानों का, दलित का, आदिवासियों का, लेकिन इनके त्योहार आप नहीं मनाने देना चाहते। आज आज ईद का दिन था, आज जब से कमलनाथ आए, जैसे ही मुख्यमंत्री बने, तो आपने रोजा अफ्तार का कार्यक्रम क्यों बंद किया? आपने आज तक आपकी 15 महीने की सरकार रही, कोई एक काम आप गिना दीजिए जो धार्मिक अल्पसंख्यकों का आपने किया हो। वहां रामगमन योजना की बात कर रहे थे, वहां मंदिर को दान देने की बात कर रहे थे, गौशालाएं खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यकों का जवाब ले लेते, जवाब लेते, समय कम है, ये आपको बताना पड़ेगा आज मंच के, जवाब ले लेते इस टीवी के माध्यम से, समय कम है। चौधरी जी, मैं पहले ये चाहता हूं कि आईएम के प्रवक्ता अनुष्ठानिक हिंसा की आलोचना करें, पहली बात। क्या हिंदू समाज में बलि चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है? क्या आप बताना चाहते हैं? बताइए ना, कितनी बलि चढ़ाई जाती है, कहां कहां की मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, किन किन जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है? में तो कभी बलि हुई नहीं है, बताना नहीं पता, बताना नहीं पड़ेगा या मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं है तो आज तक जब से कमलनाथ आए, आज तक ईद पर कहीं भी आज भी मंच लगा के तुम दे सकते थे बधाई, बधाई दे सकते थे। ठीक है, निजामी साहब जवाब, मौका तो दीजिए जवाब का। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितैषी जितनी कांग्रेस पार्टी रही है, चाहे वो संविधान में विशेष प्रावधान करवाने से लेके आज तक, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। विक्रम जी मैं कहना चाहता हूं, आजादी से लेकर अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ छला है मुस्लिम समाज को वोटों के नाम पर, उनका ना हक दिया, अधिकार दिया आपने, ना राजनीतिक तौर पे हमारा हक अधिकार दिया। आज हमको मजबूर होकर तुम्हें आईना दिखाना पड़ रहा है। 33% आजादी से पहले हुआ करता था मुस्लिम समाज सरकारी नौकरियों में, केंद्र से लेकर आज तुम्हारी सरकारें नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 0.1% रह गया मुस्लिम समाज सरकारी नौकरियों में। आज उसका बाप अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले डरता है, वो ये कहता है कि नहीं बेटा तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कर्नाटक में तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही थी, वापस दिलाया उन्होंने। इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि ये मुस्लिम समाज का हाल आपने कर दिया। मौका तो दीजिए, अगर आप ईमानदार होते तो सत्तर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की, आपकी केंद्र में सरकार थी। ठीक है निजामी साहब, जब जी चौधरी जी समय नहीं है, भैया 10 साल से जिसकी सत्ता है, 10-20 साल से प्रदेश में जिसकी सत्ता है, ये सवाल आप आजादी से लेकर आपकी सत्ता रही पहले उसका बता दो। करके क्यों भाग गए? मैं तो उसका पूछ रहा हूँ, पर तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी भारतीय जनता पार्टी थाली के एक ही चट्टे बट्टे हो, आप भी भारतीय जनता पार्टी की ए टीम हो, आप जो भारतीय जनता पार्टी भय दिखाना चाहती है, आप माफी चाहता हूं निजामी साहब और चौधरी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीसीसी में ताले लग गए और तालों ने एक तरह से सियासत गरमा दिए, अब इसका कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा, या बीजेपी इस मौके को किस तरह से भुनाएगी, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।